भारतीय क्रिकेटर अंबाती राडू को सोमवार को इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी से सस्पेंड कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये जानकारी दी। आईसीसी ने बताया कि राइडू को अपने बॉलिंग एक्शन का टेस्ट संदिग्ध पाए जाने के 14 दिन के अंदर लेना था, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। आईसीसी के नियमों के मुताबिक जब किसी क्रिकेटर का गेंदबाजी एक्शन संदिग्ध पाया जाता है तो उसे 14 दिनों के अंदर अपनी बॉलिंग एक्शन का टेस्ट देना होता है। इसी के चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये सस्पेंशन तब तक लागू रहेगा जब तक वो अपना टेस्ट नहीं देते और उनके बॉलिंग एक्शन को वैध नहीं माना जाता। आईसीसी का ये फैसला उस समय आया जब अंबाती राइडू न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में बैटिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद न्यूजीलैंड में भी धमाल मचाए भारतीय टीम के लिए राइडू पर बैन का ये फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है। 33 साल के राइडू को पहली बार 13 जनवरी को संदिग्ध एक्शन के चलते रिपोर्ट किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में सीरीज से पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान राइडू का बॉलिंग एक्शन संदिग्ध पाया गया था। राइडू ने तब 2 ओवर ही गेंदबाजी की थी और 13 रन दिए थे। उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला था। वनडे इंटरनेशनल करियर में राइडू के नाम केवल 3 विकेट हैं और उन्होंने 50 मैचों की 9 पारियों में ही गेंदबाजी की है।